क्वेश्चन है, एक संख्या को तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग का तीन गुना, दूसरे भाग का छह गुना और तीसरे भाग के आठ गुना के बराबर है। तो तीसरा भाग कितना होगा यदि पहला भाग 1600 दिया गया। देखिए तीन संख्याएं हैं, ए है, बी है, सी है। मैं आपको समझा देता हूँ कि बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, कि पहला भाग यानी कि ए का तीन गुना जो है वो बी के छः गुना के बराबर है। तो यहाँ से ए अपोन बी कितना आ जाएगा, ए अपोन बी कितना आ जाएगा आपका 2/1 आ जाएगा। तो ए 2 है तो बी कितना है, 1 है। उसी तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे भाग का छः गुना यानी कि बी का छः गुना जो है वो कितना गुना है कि सी का 8 गुना के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से बी बटा में सी कितना हो जाएगा आपका, बी बटा में सी आ जाएगा यानी कि इसको काट लेते हैं तो 3 6 2 4 8 यानी कि 4/3 आ जाएगा। अगर बी कितना है 4 है तो सी कितना है हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है, सी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। रेशो ले लेते हैं, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एड की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई, 1600, यानी कि इससे 200 गुना ज़्यादा है। तो जो सी की वैल्यू होगी, सी की यानी कि तीसरा भाग का जो वैल्यू होगी वो भी इससे 200 गुना ज़्यादा यानी कि 600 होगा। कितना, 600, ऑप्शन नंबर सी।